फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। आज मैंने टॉपिक लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में बता दिया था, स्टेम्स के बारे में। आज रूट्स है, इसके बारे में बताते हैं और आगे भी कुछ टॉपिक बताएंगे। तो रूट्स में एग्जाम्पल के तौर पर हम शीशम वुड रखे हैं, जिसका साइंटिफिक नेम डलबर्गिया शीशा होता है। या एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल हम। स्वीट पोटैटो का भी होता है रेबोन या बटाटा। अब देखेंगे इनके कैसे कुछ खास चीज़ें होती हैं। जैसे इनके रूट्स जो होते हैं, रूट्स हैज रेडिकल्स बॉड्स, रेडिकल्स बॉड देखेंगे कैसे। इनके जो रूट्स हैं वो टेढ़े मेढ़े ऐसे होते हैं। इनके रूट्स पर ही ये सॉइल्स या अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, रूट्स है, और इसी रूट्स पर एक बेबी या डॉटर रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रेडिकल्स बॉड्स कहते हैं। यहाँ से एक और फिर यहाँ से आगे से लीव्स का फॉर्मेशन करके आउटर सरफेस पर निकल जाता है। इरेगुलर होता है और यहीं से एक रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे रेडिकल्स बड्स कहते हैं। ये रूट्स, बेबी रूट्स, क्या करता है कि लिप्स और स्टेम्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ये तो रहा रूट्स के बारे में। अब लिप्स के बारे में जानते हैं हम। लिप्स के बारे में दरअसल लिप्स में एक कॉमन एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का। या हम और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, बेगोनिया। इनमें होता क्या है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो कुछ खास फ्लैशी होती हैं। देखेंगे ध्यान से कैसे फ्लैशी होती हैं और यहाँ पर एक रूट बर्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं। कैसा? रूट बर्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस बर्ड्स का फॉर्मेशन करके ये रूट को, दरअसल ये जो ब्रायोफाइलम को हम आमतौर पर अजूबा के नाम से भी जानते हैं, यह फ्लेशी लीव्स जो होती है वो वर्ड का फॉर्मेशन करती है। यह बर्ड्स रूट का फॉर्मेशन करके एक नया ब्रायोफाइलम का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एक मोड है। कौन सा मोड? वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का, जो स्टेम्स के जरिए, रूट्स के जरिए और लीव्स के जरिए भी हो सकता है। पर ये सभी चीज़ें नेचुरली होती हैं। ये क्या होती हैं? ये सभी क्या है? नेचुरली हैं। पर हम अब बताएंगे आर्टिफिशियल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कैसे हम अपने हिसाब से कैसे रिप्रोडक्शंस करा सकते हैं, असोसिएटेड रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं, वो भी प्लांट में, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का टॉपिक हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी मोड्स कौन सा है? ये मोड्स होगा हम लोग का असेक्सुअली ही मोड्स है, बट ये आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेट होगा। किस में? प्लांट में होगा हम लोग का। तो अब देखेंगे पहला हम लोग का पॉइंट्स होगा, वो होगा कटिंग, और दूसरा होगा लेयरिंग, और तीसरा होगा ग्राफ्टिंग। इसमें से पहला हम देखते हैं कटिंग। कटिंग सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी स्टेम, हम जानते हैं कि कोई स्टेम है या कोई ब्रांचेस हो, उनके नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। ये नोड्स हुए, ये नोड्स हुआ, ये बीच में क्या हो गए? इंटरनोड्स हुए और ये नोड्स हुए। तो हम स्लैंटली कट करते हैं। क्या करते हैं? स्लैंटली कट करते हैं। किसी भी प्लांट के स्टेम या ब्रांचेस को जब कट करेंगे तो हम ऐसे तिरछी कट करेंगे, ताकि जो नोड्स है जहाँ पर रूट के फॉर्मेशन या बोर्ड्स का फॉर्मेशन, कोई भी हो फॉर्मेशन हो, आगे उस प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करे, वो चीज़ें नुकसान ना हो। और आखिर हम ट्रांसवर्सली कट क्यों नहीं करते हैं या हॉरिजॉन्टली कट क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें टिश्यू डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और स्लैंटली कट करने में टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है। इसलिए हम इसको कट करते हैं, और किसी भी सॉइल सरफेस में या अंडरग्राउंड में लगा देने के बाद क्या होता है, ये चीज़ें इसमें से रूट्स निकल आती हैं। यहाँ पर
नोड से रूट निकलती हैं और नीचे से रूट निकलती हैं, पर इसे प्रोसेस आमतौर पर मिट्टियों में करने पर रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पर अगर टेक्निक अगर तेज़ी से करना हो तो उसे हम एक फोटो तो हार्मोन्स के ज़रिए इसे रूट्स के फॉर्मेशन जल्दी कराने के लिए हम ऑक्सिन हार्मोन्स के एक मीडियम्स में इसे डिप करते हैं। डिप करने के बाद सॉइल्स में अंडरग्राउंड सॉइल्स में लगा देते हैं ताकि वो रूट्स का फॉर्मेशन बहुत जल्दी कर ले इस फाइटो हार्मोन्स के ज़रिए। अगर प्रोसेस स्लो हो तो इसे नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी चलेगी। अगर जल्दी रूट का फॉर्मेशन करना है तो फाइटो हार्मोन्स यानी ऑक्सिन हार्मोन्स के मीडियम्स में उसे डिप करके सॉइल्स में लगा देंगे तो जल्दी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो रहा कटिंग का, लेयरिंग का देखते हैं। लेयरिंग सर, ये जो लेयरिंग है ये प्रोसेस दो सब टॉपिक्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग का टेक्निक कैसे होती है? ये ग्राउंड लेयरिंग टेक्निक उन प्लांट्स में होती है जो लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे जैस्मिन। जैस्मिन की जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत लचीली होती हैं। और ये सॉइल है, ये सॉइल का सरफेस है, उसके ब्रांचेस को हम सॉइल्स के अंदर डीप कर देते हैं या इसको दबा देते हैं। दबाने के बाद इसमें रूट की फॉर्मेशन होती हैं और इसे कट करके सेफली कट करके हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जब निकाल लेंगे तो आगे ग्रो करा के एक नए जैस्मिन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये अंडरग्राउंड स्टेप में होगा, ध्यान देंगे अंडरग्राउंड स्टेप में उन्हीं प्लांट को लिया जाता है जिनके ब्रांचेस या लचीली हों, फ्लेक्सिबल हों। पर एयर लेयरिंग में उन प्लांट्स को लिया जाता है जिनके ब्रांचेस या कोई भी प्लांट्स की उनके स्टेम्स हों वो लचीली नहीं होती हैं, बहुत ही रिजिड होती हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं और ये जो होती हैं रिजिड में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंगो हो गया, हाँ बाकी सभी जो सिट्रस प्लांट्स हो गए। तो उनमें क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये स्टेम है इनकी मेन और ये ब्रांचेस है, तो हम उस ब्रांचेस के आउटर जो सरफेस होती है, जो डेड पार्ट्स होती है, स्केलेटन काइमेटस जो पार्ट्स होती हैं उनको निकाल लेते हैं। पहले निकाल लिया जाता है और जो नीचे के जो लिविंग सेल्स होती हैं, ऐसी लिविंग पार्ट्स बचती हैं उनको हम छोड़ देते हैं और उसके ऊपर कुछ मिट्टी लगा देते हैं, सॉइल्स लगा देते हैं और ऊपर से कवरिंग कर देते हैं। किस चीज़ से? हम मॉस से कवरिंग कर देते हैं। अब कवरिंग करने की वजह से क्या होता है, इस सरफेस पर, इस जगह पर क्या होता है, मॉइस्चर बना रहता है। मॉइस्चर बनने की वजह से क्या होता है, ये बाद में यहाँ से रूट का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम एडवेंटियस रूट कहेंगे, रूट्स कहेंगे। और ये रूट क्या करता है, एक नए प्लांट्स को ग्रो करेगा, इसे तोड़कर या कट करके निकालकर हम सॉइल्स में लगा देंगे, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सरफेस या ये एयर लेयरिंग होती है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं गुटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरे नाम से एयर लेयरिंग को हम गुटी के नाम से भी जानते हैं, जो इस एयर में रूट का फॉर्मेशन, एडवेंटियस रूट का फॉर्मेशन करके कट कर लगा कर एक नए प्लांट का ग्रो कराते हैं। अब हम लोग का तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा ग्राफ्टिंग। आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग कैसे, क्या टेक्निक होती है। अच्छा, ग्राफ्टिंग जो टर्म्स है उसके टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको, ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग को अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लाऊं कि कोई भी प्लांट है, मैंगो का ही प्लांट है, तो उनके जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स हैं जो कि एक प्लांट के पास फ्रूट्स बड़े हो रहे हैं, इनके फ्रूट्स बड़े बड़े हो रहे हैं और इनके फ्रूट्स छोटे हैं, पर इनकी जो प्लांट्स है वह ऐसे जगह पर है जहाँ पर कोई भी कंडीशंस उसको नुकसान नहीं कर रही, या यूँ कह सकते हैं इनके प्लांट छोटे हैं पर इनके फ्रूट्स बड़े हैं और इसके प्लांट छोटे हैं। कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, प्लांट में फ्रूट छोटा है, प्लांट्स बड़े हैं, हमको क्या चाहिए,
पनीर छोटा हो और फ्रूट्स बड़े हों, तो उसको डिज़ायर को पूरा करने के लिए उन दोनों के बीच को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे हम? हमने बताया था कि प्लांट्स को जोड़ने का, या हम कटिंग के प्रोसेस करें या किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, उसमें हम स्टेम्स को कट करते हैं। स्टेम्स करने का कई सारी टेक्निक हैं, जैसे हम या तो स्लैंटली कट करते हैं, अगर ये ग्राउंड से टच है तो ये पार्ट कहलाएगा स्टॉक, और ऊपर से अगर कोई चीज़ें आती हैं हम इसमें जोड़ते हैं स्लैंटली कट करके, तो वो चीज़ें सियॉन कहलाता है। इन दोनों को रैप कर देते हैं मॉस से ताकि मॉइस्चर बना रहे, और यहाँ पर रूट के फॉर्मेशन या इससे जुड़कर हमें रूट्स फ्रूट्स भी अच्छे मिल सकें और प्लांट्स भी छोटा रहे। तो ये दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए, ये तो स्लैंटली कट जिसे हम टंग कटिंग कहते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, अगर किसी के स्टॉक्स बड़े हों, जैसे इतने बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, क्राउन शेपिंग भी करते हैं, क्राउन कट भी करते हैं, इसे क्राउन कहते हैं। आई धीरे ये सारे इसमें प्लांट लगा सकते हैं, यानी छोटे छोटे स्टेम्स के कई सारे हिस्से लगा सकते हैं इसमें, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ऐसे करके ढेर सारे लगा सकते हैं, इसे क्राउन कटिंग कहते हैं, क्राउन कटिंग। दो कैरेक्टर को आपस में मिलाना ही प्रोसेस ग्राफ्टिंग कहलाती है, नीचे के स्टॉक्स ऊपर सियांस को मिलाने का। हमेशा जो सियांस होता है वो इसे गुड बोला जाता है, और जो स्टॉक होता है बहुत कमी वाला होता है, यानी जो चीज़ें कमी होती है उस प्लांट में उसको कट कर देते हैं, जो बाहर से लाते हैं वो सियान होता है जो कि गुड कैरेक्टर होता है, और ये बैड कैरेक्टर होता है। इन दोनों को मिक्सिंग करके एक गुड कैरेक्टर डोमिनेंस फेस में हम लोग अच्छा लेने के लिए कोई चीज़ें ग्राफ्टिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और समराइज कर लेते हैं, इसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ा, पहले नेचुरली फिर आर्टिफिशियली पढ़ा। तो प्लांट में नेचुरली में स्टेम बता दिया था, रूट्स में हमने शीशम सूट्स, डलबर्गिया शीशो का इस्तेमाल किया या स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल किया, जिसमें एक बेबी या डॉटर बर्ड्स का फॉर्मेशन करते रूट में एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा रूट्स के जरिए, तो उसे हम रूट्स वाला टेक्निक कहेंगे। लीव्स के जरिए ब्रायफाइलम या बेगोनिया नाम के प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स की जो लीव्स गिरते हैं सॉइल्स पर सरफेस पर, तो एक बर्ड का फॉर्मेशन करते रूट का एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है, वो लीव्स के जरिए। आर्टिफिशियली में क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में हम किसी भी प्लांट्स को, हम आमतौर पर इस कटिंग में टेक्निक में हम लोग एग्जांपल में तौर पर हम रोज़ का भी ले सकते हैं। रोज़ में हम स्टेम को कट करते हैं, अगर सॉइल्स में लगाते हैं तो रूट का फॉर्मेशन करके नया प्लांट फॉर्मेशन करता है, पर यह ध्यान रहे हम नोड से कभी नहीं कट करना चाहिए जिससे कि टिश्यू नुकसान जाए। हमेशा स्लैंटली कट करते हैं, टंग कटिंग करते हैं, ताकि प्लांट्स अच्छी तरह से रूट को फॉर्मेशन कर सके। अगर टेक्निक को तेज़ी से बढ़ाना है तो फाइटोहार्मोन्स ऑक्सीजन में डिप करके सॉइल में लगाएंगे तो जल्दी से होगा। लेयरिंग में ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग होती है। ग्राउंड लेयरिंग में फ्लेक्सिबल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एयर लेयरिंग में रिजिड का इस्तेमाल किया जाता है, और एयर लेयरिंग को दूसरे नाम से गुटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्राफ्टिंग दो ऐसे कैरेक्टर को मिलाना ही ग्राफ्टिंग कहलाता है, जिसमें सियॉन जो होता है वो गुड कैरेक्टर होता है, स्टॉक जो होता है बैड कैरेक्टर होता है, तो उन दोनों को मिलाकर एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए हम ग्राफ्टिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो आपको ना अच्छा लगे तो अनलाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन चीज़ों को वो भी जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।